मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मध्य रेलवे को हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान क्यों होता है, तो एकमात्र वजह मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मैं इस समय पटरी पर मौजूद हूँ और ये पटरी से सटा हुआ एक जो जगह आप देख रहे हैं, आप ये देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ यहाँ मेरे पीछे मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन आती जाती है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं एक एसी लोकल गुजर रही है। अब यहाँ का रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन से सटे हुए जो ब्रिज निर्माण के कार्य होते हैं, उस कार्य में होने वाला सामान जैसे सलिया है या तमाम ऐसे धातु है जिसके ज़रिए विकास का कार्य होगा, उसमें किस हद तक जो है चोरियाँ होती है। एक जो है सबसे पहला हम आपको वजह बता दें, इंडियन रेलवे को जो करोड़ों रुपये का नुकसान होता है, तो CAG की 2023 की रिपोर्ट में 68 करोड़ रुपये का लॉस ये बार भी जो है इंडियन रेलवे को बताया गया है। अब मेरे साथ चल करके मैं आपको बताता हूँ कि ये जगह से मैं एंटर करूँगा। आपने देखा कि वो पटरी का रास्ता है और यहाँ से जो है लोग आते जाते हैं। अब यहाँ से आप जो है पहला शुरुआत करेंगे कि ये देखिए, ये जो पुराने पड़े हुए पटरी के कुछ हिस्से हैं ये पड़े हुए, यानी अगर चोर आएगा तो वो इजीली यहाँ से आएगा, इसे उठाएगा और ले जाएगा। और ऐसे ना जाने कितने चोरियाँ होती है। और ये देखिए यहाँ पर ये होता है कोरेक्स, ये नशा भी जो है यहाँ पर होता है। और नशा अगर कोई करता है तो नशे के बाद जाहिर सी बात है चोरी भी होती होगी। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से ब्रिज निर्माण के कार्य में लगने वाले तमाम जो चीज़ें हैं वो सड़ रही है। और पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि मध्य रेलवे को अगर घाटा होता है तो एकमात्र लापरवाही से भी होता है। यहाँ पर आप देखिए कि मध्य रेलवे का ये ऊपर ब्रिज बन रहा है, ये ब्रिज के निर्माण के लिए जितने भी सामान लाए हुए हैं आप देखेंगे कि कितना जो है पूरा जर्जर अवस्था में है। और ये पूरा सामान पूरे एक एक करके जो है गायब भी हो सकता है। अब यहाँ से ऊपर ही आप देख रहे हैं नज़ारा, आप जो है और पूरा देखेंगे कि मध्य रेलवे को घाटा होने का एक सबसे बड़ा वजह जो है ये भी है। और इसमें एकमात्र हम कह सकते हैं कि लापरवाही भी है, क्योंकि एक भी सुरक्षा का बंदा यहाँ पर है नहीं, यानी सुरक्षा की बात अगर करी जाए तो एक भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं है। आप देखेंगे राइट साइड में भी तमाम सलिया है, तमाम जो है ऐसे चीज़ें हैं जिससे ब्रिज निर्माण के कार्य होंगे। और मैं चाहूँगा कि और आपको आगे से दिखाऊँ, आप देखेंगे कि ये तमाम जो सलिया है ये पूरी तरीके से यहाँ पर एक एक करके गायब हो रहा है और इसे कटिंग कर जो है बेचा जाता है। अब हम ये भी कह सकते हैं अगर सुरक्षा का बंदा यहाँ पर कोई होगा सिक्योरिटी गार्ड, तो एकमात्र उसकी भी मिली जुली जो है कुछ सांठगांठ होगी, जिसके कारण तमाम जो है लाखों करोड़ों रुपये का मध्य रेलवे को नुकसान होता है। अब यहाँ से आप देखिए कि ये सारी चीज़ें प्योर लोखंड की है और ये कभी भी चोरी हो सकता है। आप मध्य रेलवे इस पर ध्यान दे या इस पर जवाब दे कि किस तरीके से सालाना CAG की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि मध्य रेलवे हर साल करोड़ों रुपए के नुकसान में जाती है, जैसे कि इस साल की रिपोर्ट में बोले तो 68 करोड़ रुपए का लॉस लगभग भारतीय रेल को हुआ है। और भारतीय रेल में अगर प्रॉफिट की बात करें, आप जानते हैं कि खचाखच किस तरीके से मुंबई की लाइफलाइन भरी होती है, और उसके बावजूद भी अगर इंडियन रेलवे नुकसान में जाता है तो एकमात्र वजह ये भी है कि यहाँ पर तमाम जो सलिया और निर्माण के कार्य किए जाने वाले जो भी सामग्री है उसे चोरी किया जाता है। अब इस पर ये देखना है कि कौन जवाब दे, और इस पर ये भी देखना है कि अब जो है इंडियन रेलवे किस तरीके से ध्यान देगी। कैमरामैन दानिश कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।